अपनी पसंदीदा औरत के लिए। मैं ये मंदिर पहली बार घूम रहा हूँ, काफी अच्छा लगा। तो यूँ कहूँगा कि मैं तो बाहर से आया था खैर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने एक जगह विजिट कर ली, एक हनुमान मंदिर है वहाँ पे मुजफ्फरपुर के वानी। और बीता है कैसे पता ही नहीं चला। हाँ जाएंगे, पिक जाएंगे पानी में, 20 लीटर वाला है वो लेके चलेंगे, उसी पे हिमालयन के पीछे बांध लेंगे। तो के बारे में बता दें आपको, 10 रुपए में सबसे ज्यादा डैमेज देने वाला चीज है गोलगप्पा, बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं। वो वाइब हम बता ही नहीं सकते, आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ, आना तो पड़ेगा। लेकिन तो नया दिन और नया ब्लॉग शुरू हो चुका है और हम चल रहे हैं, क्योंकि चलान कट जाएगा तो ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है, तो थोड़ी दूर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को धोखा देते हैं और अब शायद खुलेगा। मेरा पार्टी कहाँ है, मेरे लोग यहाँ पे हैं। ट्रैफिक सिग्नल को सक्सेसफुली धोखा देने के बाद अच्छा लग रहा है ना आपको, बाहर हम पैदल कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा होगा। गाइस देखिए, तीनों को दिल्ली हरियाणा से आए हुए बिहार घूमने और आज हम लोग के साथ ये लोग चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो हम लोग वैष्णो मंदिर ना, साहू पोखर एंड वैष्णो मंदिर, इन लोगों को घूमना है। एंड ये मेरा स्कूटी में चलान कटने वाला है, ट्रिपिंग चल रही है ये लोग। आगे की ब्लॉगिंग आप अब मेरे साथ देखेंगे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, जो बाहर से आए उनको आज हम लोग घुमाएंगे साहू पोखर। इन लोगों को मुजफ्फरपुर बिहार एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये लोग ये जगह मिस किए थे, साहू पोखर एंड वैष्णो देवी वाला, तो वहाँ चलेंगे। पहले इन लोग को राउंड लगा देते हैं साहू पोखर। साहू पोखर मतलब एक बहुत अंडररेटेड मंदिर है यहाँ पे, लोगों को लगता नहीं मतलब इतना नहीं जानकारी, लेकिन गाड़ी में खड़ा था यहाँ पर एक बार आके देखिए, उसके बाद आने वाला है ना गाइस, मतलब मजा आ जाएगा। जो घूमने आए बाहर से उन लोग से पूछेंगे अभी लास्ट में कैसा लगा है, यही दोनों है जो घूमने आए हुए हैं। अभी जी से हाय टू माय व्लॉग। क्या लेना मोती जी से? झुमका। किसके लिए? अपनी पसंदीदा औरत के लिए। कौन है वो? सूरज। नहीं गाइस, ये स्कैम हो रहा हम लोग के साथ, झुमका दिलाने जाएगा। झुमकी के नाम पे मुस्कुराहट देख रहे गाइस। तो ये है साहू पोखर का अंडरग्राउंड मंदिर, जो आप लोग शायद नहीं देखेंगे और देखना चाह रहे थे बहुत लोग, तो ये देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर है। और आप लोग शायद ही बहुत कम लोग विजिट किए होंगे ना इस मंदिर में, बट ये मतलब आना चाहिए। बाहर से तो मतलब उतना फील नहीं होगा, बट यहाँ नीचे आइएगा ना, अंडरग्राउंड वाली फीलिंग जो लगता है कि मंदिर वाइब है, जो आप लोग अगल बगल वाले मंदिर विजिट करते हैं वहाँ जाइए, बट स्टिल यहाँ पे भी आइए, तब आपको लगेगा अरे मंदिर है, ये वाइब है, मंदिर वाला वाइब आएगा। सो कैसा लगा मंदिर? मंदिर बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब राम जी के और सीता मैया के दर्शन हो गए, साथ ही साथ हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, और उससे बढ़िया महादेव जी के भी दर्शन हो गए, मतलब सभी भगवानों के दर्शन एक साथ हो गए। काफ़ी अच्छा लगा घूम के मंदिर, और काफ़ी अच्छी जगह है ये साहू पोखर, जरूर आइएगा आप भी। एंड आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। नहीं पहले काफ़ी जगह काफ़ी मंदिर घूमे, ये मंदिर पहली बार घूम रहे, काफ़ी अच्छा लगा देखकर, काफ़ी सुकून है ना, सुकून है काफ़ी, वातावरण भी बहुत अच्छा है इधर का, देखा जाए तो भीड़ भाड़ नहीं है, खाली है काफ़ी, देखा जाए तो लोगों को आना चाहिए इधर भी। हाँ, लोग यहाँ पे आते तो नहीं है, वही वही काफ़ी कम लोग दिखते हैं इधर, लेकिन काफ़ी काफ़ी सुकून है इधर। और एक मुजफ्फरपुर की एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि मैं तो बाहर से आया था खैर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने एक जगह विजिट कर ली, एक हनुमान मंदिर है वहाँ पे, जो कि नीचे अंडरग्राउंड जाकर है, तो वो मतलब एक ऐसी जगह है, मतलब वहाँ पे जाके आप देखोगे कि वो कितना प्राचीन पुराना मंदिर है वो, तो आप एक बार जरूर वहाँ पे जरूर जाके आइए। वापस जाते समय बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, साहू पोखर से इतना अच्छा वाइब था कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार लिए वहाँ पे, वही वही तो और भी मंदिर जाना था लेकिन वहाँ जा नहीं पाए, वैसा भी और वक्त बीता है कैसे पता ही नहीं चला। हाँ अच्छा, सच में अच्छा, वही 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 आराम से जाना। अब हम लोग चलते हैं मिठनपुरा के देवी मंदिर।
सो अब हम लोग साहू पोखर के बाद आ चुके हैं स्ट्रीट ऑफ मुजफ्फरपुर, दिस इज देवी मंदिर वाला रोड है, इसको क्या बोलते हैं, हरिसभा रोड, देवी मंदिर वाला रोड, देवी मंदिर। अब हम लोग जाएंगे, उसके बाद कुछ खाते हैं और उन लोग को भी कुछ खिलाते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। हाँ, घुसते ही लोग आपको लड्डू पेड़ा देने लगेंगे जबरदस्ती, आपको नहीं चाहिए होगा तो आपको लेना पड़ेगा, खींच लेगा। एक दिन हम ऐसे ही अपने बर्थडे के दिन आए थे, मार कर लिया दोनों दूध का वाला, मेरे यहाँ से ही बोला मेरे यहाँ आने ही वाला था, तुम मेरा कस्टमर खा गया, बोला चुप बुढ़ा बहुत मार के तुम। प्लानिंग व्लानिंग कर लेते हैं लोग कि आज आयुष्मान नहीं आया है, मंदिर चलो आज सारा मंदिर घूमेंगे। नहीं एक्चुअली ये लोग जाने वाले हैं ना, 5-6 दिन तुम नहाते रहना, लेकिन लगातार अब रोज नहाएंगे, अब हम कहीं चलते आज हम इसीलिए सोच रहे हैं कि नहाए नहीं, हम मन शुद्ध है मेरा, तो बस हो गया, बस दर्शन कर लीजिए आप लोग भी थोड़ा सा। देवी मंदिर देख के हमको बचपन का हमेशा याद आता है कि जब बहुत बड़ा था, हम आते थे बचपन में तो ऐसे ही मम्मी के पीछे पीछे, मम्मी ऐसा हो गया घूमते थे तो हम पीछे पीछे जाते थे। देवी मंदिर आने के बाद हम ये सोचते हैं कि हर आदमी के मतलब हर लोकेलिटी में एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जहाँ बैठने का जगह, और सबसे बेस्ट पार्ट इस मंदिर का मुझे यही लगता है, साहू पोखर में गए वहाँ पे भी है बैठने का, बट ये वाला अलग ही चीज है, मतलब आराम जमीन पे भगवान का मतलब ऐसा लगता है कि साथ में बैठे हैं, मतलब अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे बैठेगा ना माइंड आपका इधर उधर नहीं जाने वाला, कुछ अच्छा चीज ही सोचने वाले हैं ना, मतलब मजा आता है, खुला खुला बहुत ज्यादा सही, मतलब खत्म होगा वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, वो वाइब हम बता ही नहीं सकते, आपको खुद आना पड़ेगा, यहाँ आना तो पड़ेगा, लेकिन सच्ची में यहाँ का मजा लेना हो ना तो वीडियो में तो चलो ठीक है आप लोग एंजॉय कर लेते हो, बट आकर जो वाइब्स आने वाली है ना तो मतलब ट्रस्ट मी गाइस, मस्ट खाली बैठे किसी दिन तो अपने घर वालों को लेके बस यहाँ आ जाइए, बस बैठने के लिए, घर बैठने से अच्छा थोड़ी देर यहाँ पे बैठिए, शाम का टाइम तो मजा आ जाए, मॉर्निंग में भी रहता है बट थोड़ा सा धूप के वजह से आजकल लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, शाम होते ही आना चाहिए आप लोग को, वैसे चश्मे में प्यारे लग रहे हैं, मतलब अगर निगेटिविटी चल रहा है दिमाग में कुछ ऐसा डिमोटिवेट हो गया तो यहाँ के बैठ जाइए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, आपको समझ में आया कि कोई आपके साथ हो ना हो भगवान आपके साथ है। अब मतलब यहाँ पे बैठेगा ना तो ये दिमाग जो होता है ओवर थिंकर्स जो रहते हैं जो टेंशन में रहते हैं ना, आप यहाँ पे बैठे रिलैक्स फील होता है, पीस जैसे मेरा एक एग्जांपल है, हम भी ज्यादा सोचते हैं फालतू इंसान नहीं सोचेगा यहाँ बैठे, यहाँ अच्छा लगता है। गाइस गुस्सा वाला बच्चा फाइनली बैक हो चुका है, ड्रोन शॉट कहाँ से आया है, ये ड्रोन शॉट पता, हम कल रात को इसको पूछे तो बोलता है हाँ हाँ ध्यान रहेगा तभी ना, एंड फाइनली गुस्सा करने वाला आ गया हम लोग के पास, अरे अब बजाज वाला नहीं देखे, एंड जो अब हम लोग फाइनली ऐसे बैठे हैं इसी चीज का मतलब मजा लेने के लिए जरूर आइएगा, ऊपर तक जान पे जाने, तुम लेके गया था उस दिन ड्रोन वाले को, कुछ नहीं गाइस सब वीडियो डाल चुका था, ये भी डाल चुके थे, हम भी डाल चुके थे, इसका भी एडिट हो चुका है और बाकी क्रिएटर्स, अच्छा एडिट नहीं हुआ, बाकी और क्रिएटर्स डाल चुके हैं, उसके बाद इसने यही किया कि सबका उठा के बेस्ट बनाओ, सबका नहीं था गाइस, वो हमारा और मुजफ्फरपुर वाले का था बस, जिसको इसने कॉपी पेस्ट किया, एंड ये बताइए मंदिर में मतलब ओहो हाँ ठीक है चल गया था बात, ये तो ये कह रहा था मैं और आयुष्मान एक जैसे हो गए हैं, सिंगल है, हाँ। तू अभी ना झुमका खरीद इसको, मेरी पसंदीदा औरत मेरी माँ, मोती जी मेरी माँ है, मेरी पसंदीदा औरत, अभी कैसे पलट गया तू, माँ कसम मेरी माँ से ज्यादा प्यारी कोई नहीं है, हाँ ठीक है वो चीज अलग, अभी झुमका किसके लिए ले रहा था तुम, कहाँ ले रहे हैं, मोती जी जाना था तुमको सबसे अच्छा बोलो ना, जाना था हम काहे गुस्सा हो, खरीद के रख लेते कभी तो देंगे कोई तो आएगी, ठीक है हम करते बाद में, सच बोलो इससे पहले वाला टिक दो, नहीं नहीं ऐसा बताया नहीं जाता, तो ये है हमारे नए फोटोग्राफर, स्नैप ले रहे हैं प्रोफेशनल स्नैप, आईफोन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, और ये मेरा कोई फेक आईडी बना दिया, मेरा फेक आईडी बनाएगा भाई क्या मिलेगा तुम लोग को, इतना भी फेमस नहीं होना था, चलिए बताइए भेलपुरी के बारे में कुछ, हम लोग को पानी ही नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ये बताइए कि बटाटा पूरी और भेलपुरी से कौन सा वाला अच्छा लगा ज्यादा, हमको दोनों अच्छा लगता है, हम चूज ही नहीं कर सकते, आपका क्या सीन है, यही खा रहे हैं, पसंद तो दोनों आया, पसंद दोनों आया, यही कौन सी खा रहे हैं आप, खा रहे अभी आपको बटाटा पूरी कुछ ज्यादा अच्छी लगी, बटाटा पूरी ज्यादा अच्छा लगा, पर आपको मिला था भेलपुरी, मिला नहीं नहीं मैंने बटाटा पूरी भी खाई थी, अच्छा मिला भेलपुरी भी मैंने वहाँ से खाई, लेकिन बटाटा पूरी कुछ ज्यादा नहीं, ये अंकल जी नेपाल से,
नेपाल से नेपाल से ये एक्चुअली कंचनजंगा की पहाड़ी पे रहती दार्जिलिंग से ये दार्जिलिंग से आई हैं और गाइस आई एम नॉट फ्रॉम दार्जिलिंग आई एम फ्रॉम बिहार एंड अंग्रेजी का है बोला तारू ना अंग्रेजी वाला बोले तारू का है कि तू सब कहां दे लेंगे हम कहाँ के वानी दार्जिलिंग दार्जिलिंग के वानी लेकिन साबित कर दिया कि हम मुजफ्फरपुर के वानी। देखिए स्नैप एक ऐसी बीमारी है जो स्नैप लेकिन बस एक हाँ बोलिए स्नैप एक हम ही यूज नहीं करते होंगे बाकी सब यूज करते होंगे नहीं करते हैं ये अंजू जी बोलो बार बार झूठ बोलो। ये है हमारा फेमस मिठनपुरा चाय की दुनिया क्या चाय की वर्ल्ड ऑफ टी चाय की दुनिया दुनिया नहीं है। तो अब क्या करना है So guys, अब हम लोग बहुत ज्यादा घूम लिए साहू पकड़ हो गया देवी मंदिर हो गया भेलपुरी खा लिए मोमोज खा लिए अब लास्ट चाय पी के घर जाएंगे तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा टाटा सभी उपाय कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा फ्री का प्रमोशन अगर नहीं गिरा ना वो अब तू बोल मेरी बारी कहाँ से उठाए ये तो दिखाइए नजदीक हो तुम अभी नजदीक है ना इधर आइए और हमें कोई बुलाया पता नहीं चलो 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 सेकंड अब ये भी एक और कप है कोई नहीं है कि जाता ये वीडियो क्रॉप हो जाएगी बट एंड नहीं हो रहा हमको पता है आगे भी ऐसे ही चलती रहने वाला है देखते हैं कब तक जब तक चलेगा चलेगा लेकिन गोलगप्पा खाना जरूरी है एंड दिस बॉय इज नॉट टॉकिंग टू मी मीठा सा ज्यादा हो गया है और गोलगप्पा के बिना मेरा दिन तो एंड नहीं होता क्योंकि 10 रुपए का चीज है लेकिन गोलगप्पा के बारे में बता दें आपको 10 रुपए में सबसे ज्यादा डैमेज देने वाला चीज है गोलगप्पा बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं हाँ ये तो है लेकिन क्या करेंगे मन नहीं मान रहा हम तो दवा भी खा रहे हैं खाते हैं हमको नहीं खाना है बाहर का दीदी बहुत डर हाँ गाइस नहीं खाना लेकिन इन लोग के चक्कर में लगेंगे बिगड़ जाएंगे हम बिगड़ चुके हैं एक्चुअली मतलब क्या बोले आज पानी में कम से कम 100-150 खत्म हो गया होगा हम लोग का भाई पानी इतना बोतल होगा बोतल ना अब से लेके चलेंगे नहीं तो हम लोग लुट जाएंगे बिक जाएंगे पानी में 20 लीटर वाला है वो लेके चलेंगे उसी पे हिमालयन के पीछे बांध लेंगे बहुत जरूरत होता है पानी का भाई इतना खाते हैं लोग आज बोतल खत्म हो चुका है आज 100 रुपए खत्म पानी में इससे अच्छा तो 25 रुपए भी 25 लीटर बनाते 15 लीटर होता है भाई बात तो सही है भाई पता नहीं चल रहा है भाई